मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे हम बात करते हैं इरिगेशन की कि सिर्फ रूट स्टॉक में ही हमें चाहिए, अगर हम जनरली बात करें, अगर हमें एक क्वालिटी फ्रूट चाहिए, अच्छा साइज चाहिए, अच्छी ईल्ड चाहिए, तो इरिगेशन इवन अगर हो सके तो अगर हम सीडलिंग में भी करें तो उसमें भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये हम कंपैरिजन कब करते हैं कि एक में हम पूरी मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सीडलिंग को हम एक बिल्कुल ही निग्लेक्ट करके उस तरह से कर रहे हैं, तब हम कंपैरिजन करते हैं। उतनी ही मेहनत अगर आप सीडलिंग रूट स्टॉक में भी करें और एक तरफ हमारा रूट स्टॉक है, फिर हम कंपैरिजन कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि क्या यील्ड में या क्वालिटी में जो है वो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे कि एक में हम प्रॉपर इरिगेशन भी दे रहे हैं, प्रॉपर थिनिंग भी कर रहे हैं क्योंकि पौधे छोटे हैं तो उसमें हम थिनिंग भी करेंगे और टाइम टू टाइम स्प्रेज भी इसलिए हो पा रही है कि वो इजी है मैनेज करने के लिए, और दूसरी तरफ सीडलिंग एक बड़ा पौधा है उसमें आप इरिगेशन ही, आपको पता है ये सर्वाइव कर जाएगा, उसमें तो आपको ये डर रहेगा कि ये पौधा मर ही जाएगा आप, और जब ये सीडलिंग की बात होगी तो उसमें कि ये सर्वाइव तो कर जाएगा, अगर थोड़ी सी क्रॉप अच्छी नहीं भी लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम इक्वली उसमें भी उतनी ही अटेंशन देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हम बहुत अच्छी क्वालिटी और ईल्ड उससे भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक बागवान का मेन मकसद है वो ईल्ड और क्वालिटी ही है कि कितनी प्रोडक्शन आती है और उसमें जो है वो जो प्रोडक्शन है वो कितनी क्वालिटी की है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो क्लाइमेटिक फैक्टर है कि अगर हमारी बारिश टाइम से हो रही है या टेम्परेचर प्रॉपर है तो अच्छी ईल्ड होने के भी और क्वालिटी फ्रूट के भी चांसेस बने रहते हैं। अगर यही चीज बारिश प्रॉपरली, जैसे इस बार है कि बर्फ नहीं पड़ी है, कहीं ना कहीं चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हुई है, कैलकुलेट नहीं किया, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 7 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए कितना 1400 घंटे सेब के लिए, पर हमारे पास एप्पल में ऐसी भी वैरायटीज है जिनकी 300 भी है, 300 400 500 600 तो अलग अलग तरह से है। तो इसीलिए आज की डेट में अगर हम बात करते हैं जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस चल रही हैं तो उसमें हम जो है लो चिल वैरायटीज को हम प्रेफर कर सकते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा इस तरह की स्थिति भी बनी रहती है तो उसमें जो है हम लो चिल वैरायटीज लगा के हम प्रोडक्शन ले सकें।